नमस्ते बच्चों, फिर से इंग्लिश की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले दो एक्टिविटी हम लोग कर चुके हैं, एक्टिविटी के बाद आज हम लोग कॉन्वर्सेशन सीखेंगे। कॉन्वर्सेशन मतलब कि एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हम कैसे बातें करते हैं, क्या बात करते हैं, तो वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके लिए कुछ शब्द हमें आने चाहिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्वर्सेशन में, जैसे कि जब भी हम लोग किसी को मिलते हैं, जैसे कोई आता है अपने घर पे या फिर हम लोग हमारे दोस्तों से मिलते हैं तो हम लोग कैसे बातें करते हैं। जैसे हेलो, हाउ आर यू, हेलो मतलब हाँ, मतलब सेलिब्रेशन है एक तरह का, मतलब एक अभिवादन है। हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, वैसे जैसे हिंदी में पूछते वैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेलो हाउ आर यू। फिर देखो और एक हम लोग जब भी ज़्यादातर अपने दोस्तों से मिलते हैं, बड़ों से तो हम लोग नहीं होते, लेकिन जब हम लोग हमारे कम उम्र या फिर छोटे बच्चों से मिलते हैं तो हम लोग हाय होते हैं, हाय कैसे हो ऐसे। और या तो फिर हम लोग कभी हमारे टीचर से या फिर हमारे स्कूलों से जो बड़े रहेंगे उनसे जो मिलते हैं तो हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वैसे हम लोग बोलते रहते हैं। ये सब शब्द जो हैं उससे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे आते जाते कभी कभी आप इंग्लिश का प्रयोग करते हो। जैसे कि आप दूसरी कक्षा में आ चुके हो तो ज़्यादातर शब्द आपको मालूम है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो तो आप लोग देखते होंगे दूसरे बच्चे, दूसरे कक्षाओं के जो बच्चे हैं उन लोग से बातें करते हो, हाई हाउ आर यू, व्हेन यू आर गोइंग टू मीट, ऐसे सारे कॉन्वर्सेशन हमारे होते रहते हैं। तो ऐसे ही कॉन्वर्सेशन जो है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन में आगे पढ़ने के लिए हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर जाएंगे। तो सब लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में 1.3 लेट्स स्पीक निकालेंगे। तो चलो, तो बच्चों देखो इसमें आपको पेज नंबर 3 पे 1.3 दिया है, लेट्स स्पीक। लेट्स स्पीक मतलब कि आओ हम बातें करें, कैसे बोलना है वो देखते हैं। लिसन एंड एनेक्ट मतलब इसमें आप लोग देखोगे वैसे ही आपको बात करने सीखना है। देखिए पहले चित्र में एक लड़का और एक लड़की मिल रहे हैं। यहाँ पे लड़का क्या बोल रहा है, हेलो माय नेम इज ललित। उसने क्या बोला, हेलो मेरा नाम क्या है, ललित है। सामने लड़की क्या जवाब दे रही है, हाय आई एम फरीदा। तो उसने हाय करके जवाब दिया है और उसने बोला क्या बोला, मेरा नाम क्या है, फरीदा है। फिर दूसरे चित्र में देखते हैं, दूसरे में आप देखोगे लड़का क्या बोल रहा है, हेलो माय नेम इज मंजीत। ये लड़के का नाम मंजीत है तो वो उसे क्या बोल रहा है, मेरा नाम मंजीत है। वैसे ही यहाँ पे जो लड़की है वो क्या बोली, हाय आई एम मृणाल। लड़की क्या बोल रही है, और मेरा नाम क्या है, मृणाल है। यहाँ पे देखिए फिर आगे के चित्र में, यहाँ ये लड़का बोल रहा है, हेलो माय नेम इज तरंग, मेरा नाम क्या है, तरंग है। और लड़की क्या जवाब दे रही है, हाय आई एम श्यामल। और उसने क्या बोला कि मेरा नाम क्या है, श्यामल है। तो यहाँ पे आप देखोगे दो तरह की चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई थी, हेलो और हाय दोनों का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो भी बातें हम लोग कभी करते हैं, किसी को मिलते हैं, समझ लो कि आपका नाम रमेश है तो आप सामने वाले को क्या बोलोगे, हेलो माय नेम इज रमेश। और सामने वाला लड़का समझो महेश है तो वो क्या बोलेगा, हाय माय नेम इज महेश, या फिर हेलो माय नेम इज महेश। वैसे करके वो क्या करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। अभी लास्ट के चित्र में देखो सारे के सारे एक साथ है और उन लोग ने क्या लिखा है इधर, वी आर फ्रेंड्स, हम सब क्या है, दोस्त है। फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, दोस्त का मतलब, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त होता है। और यहाँ पे वी मतलब हम सब क्या है, दोस्त है। अभी इसी का दूसरा भाग देखो, पीछे आपके दिया हुआ है पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे आप देखो पहला चित्र, अभी देखो कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं, कैसे बात करते हैं। वॉट इज दैट इन योर हैंड ललित, वो लड़की उसे पूछ रही है, वॉट इज दैट इन योर हैंड ललित,
आपके हाथ में ललित क्या है? दिस इज माई इंग्लिश डिक्शनरी, इट इज वेरी यूजफुल। वो ललित उसने क्या जवाब देता है? मेरे हाथ में जो है वो मेरी इंग्लिश की डिक्शनरी है और ये क्या है, इट इज़ वेरी यूजफुल। यूजफुल का मतलब कि ये बहुत उपयोगी है। वैसे वो लड़का उसे जवाब दे रहा है, फिर वो खुद उसको प्रश्न पूछता है। तीसरे में देखो, वॉट इज दैट इन योर हैंड श्यामल, उसने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है श्यामल। उसने जवाब दिया, दिस इज माई वॉटर बॉटल, इट इज वेरी यूजफुल। उसने क्या बताया कि ये मेरे हाथ में क्या है, वाटर बॉटल है, पानी पीने की बॉटल जो रहती है हम लोग लेके आते हैं रोज स्कूल में, आपको मालूम होगा। तो उसने क्या बोला, मेरे पास वाटर बॉटल है और ये बहुत यूज़फुल है। यूज़फुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आपको तो मालूम होगा, आपको बार बार प्यास लगती होगी क्लास के अंदर, तो आप अपनी वाटर बॉटल खोल के उसमें से पानी पीते हो, तो वो कितनी उपयोगी रहती है। बार बार हमें बाहर नहीं जाना पड़ता कि नल से जाके पानी पिएंगे, अपने पास बॉटल रहेगी तो कभी भी पी सकते हैं। फिर यहाँ पे ये क्या बोल रही है श्यामल, कैन यू लैंड मी योर डिक्शनरी। यहाँ पे ध्यान दो, लैंड मी मतलब कि क्या तुम मुझे अपनी डिक्शनरी कुछ समय के लिए दे सकते हो क्या। लैंड मी मतलब उधार लेना, लैंड मी मतलब देना, बोले तुम मुझे थोड़े दिनों के लिए क्या अपनी डिक्शनरी दे सकते हो। तो क्या जवाब दिया उसने देखो, श्योर मतलब हाँ क्यों नहीं। मे आई हैव सम वाटर प्लीज़, तो क्या मुझे तुम थोड़ा सा पानी दे सकती हो। आई एम थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब प्यासा होना। उसने क्या बोला कि मुझे प्यास लगी है, उसने क्या बोला, ज़रूर, मे आई हैव सम वाटर प्लीज़, उसने बोला क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है। आई एम थर्स्टी मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो उसने क्या जवाब दिया श्यामल ने, श्योर हियर इट इज़, हाँ क्यों नहीं, लो पी लो। ऐसे आप देखोगे तो अभी जो वाटर बॉटल जो है वो ललित के हाथ में है और डिक्शनरी जो ललित के हाथ में थी वो श्यामल के पास है। मतलब कि दोनों ने अपनी अपनी चीज़ें एक्सचेंज की हैं, लेकिन साथ में ये पूरा कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन मतलब बातें करना, जो हम लोग आए दिन अपने दोस्तों में करते ही रहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कॉन्वर्सेशन के वक्त, जैसे भी हम लोग क्लास में भी हम लोग बात कर सकते हैं। जब हमारे बाजू में अगर समझो कोई लड़की बैठी है या लड़का बैठा है, तो अगर आपको उसको उसके पास से बुक चाहिए तो आप बुक मांगने के लिए कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि मतलब मुझे ये बुक चाहिए तो मुझे वो बुक आप दे सकती हो क्या। तो जैसे इसमें दिया है वैसे आप बोल सकते हो, कैन यू लैंड मी योर बुक, है ना, वैसे आप बोल सकते हो। तो उस वर्ड को उसकी जगह डिक्शनरी की जगह रख के आप लोग बोल सकते हो, बता सकते हो। ऐसे करके आप इंग्लिश का कॉन्वर्सेशन आए दिन सीख सकते हो। तो बच्चों इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो, जो समझाया गया है उसको भी अच्छे से समझो। तो अभी इसके बाद हम लोग फिर से बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए तो बच्चों अभी वापस बोर्ड की तरफ हम आ चुके हैं। कॉन्वर्सेशन को आपने अच्छे से पढ़ा है, सुना है, तो उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। घर अपने भाई बहन रहेंगे तो उनको बोलना है कि मैं ललित बनूंगा और तुम सामने श्यामल बन, तो हम लोग दोनों को कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो बोलते बोलते आप क्या है एक दूसरे से सीख जाओ। तो वैसे ही लेकिन इसमें कुछ शब्द है जो शायद आपके लिए नए हैं और आपके स्वाध्याय में भी दिया गया है, तो मैं फिर से आपको ये सारे शब्द पढ़ाती हूँ। देखिए, आई मतलब हम खुद, हम, ठीक है। मी का मतलब हम खुद ही होते हैं, जैसे हम लोग खुद बोलेंगे ना कि हमें दो, तो मी आएगा उसमें। फिर यू मतलब तुम, सामने वाले को हम लोग बोलेंगे यू। देन योर का अर्थ है तुम्हारा। देन ही जो है दूसरे के लिए यूज होता है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि ही इज प्लेइंग ओवर देयर, ही इज मतलब वो तीसरा पर्सन जो है वो वहाँ पे खेल रहा है। मैं जिसे बात कर रही हूँ, वो जो मेरे साथ में, उसको मैं बता रही हूँ कि ही इज प्लेइंग ओवर देयर मतलब वो वहाँ पे खेल रहा है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम लोग ही यूज कर रहे हैं। देन माई का मतलब होता है मेरा, मेरा खुद का।
जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को जैसे माय सेल्फ पूछा जाता है तो आप लोग कैसे बोलते हो, माय नेम इज रोहित, माय नेम इज ललित, मतलब कि मेरा नाम ललित है या फिर मेरा नाम क्या है, रोहित है, तो उसके लिए हम लोग माय यूज करते हैं। वैसे ही अगर जैसे लड़के के लिए हम लोग डी यूज करते हैं, वैसे ही लड़कियों के लिए शी यूज होता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे ही है, जैसे ही के लिए मैंने आपको बताया, वैसे ही शी के लिए भी हम लोग बता सकते हैं कि शी इज डांसिंग ओवर देयर, मतलब वो लड़की वहाँ पे नाच रही है, तो लड़की ना बोलना हो तो शी इज डांसिंग ओवर देयर। देन वी का मतलब होता है हम सब साथ में, जैसे कि आप लोग की टेक्स्ट मैंने बताया लास्ट में क्या था, वी आर फ्रेंड्स, मतलब कि हम लोग सब फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब दोस्त हैं, तो हम सब का मतलब होता है वी। फिर और एक शब्द है आपकी किताब में फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब मैंने आपको बताया था, फ्रेंड्स का मतलब आप जानते भी हो, जिसको हम लोग दोस्त बोलते हैं, फ्रेंड्स हमारे जो रहते हैं उसको दोस्त मित्र जो भी बोलते। उसके बाद हैंड, हैंड का मतलब अपने हाथ, हाथ जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड्स। देन यूजफुल मतलब उपयोगी, जो चीज़ें हम लोग को उपयोगी रहती है उसको हम लोग यूजफुल बोलते हैं, है ना। जैसे श्यामल ने बोला दिस वाटर बॉटल इज यूजफुल टू मी, यूजफुल का मतलब क्या होता है मेरे लिए, वो क्या है, उपयोगी है वाटर बॉटल। उसके बाद है वाटर, वाटर सब लोग जाते हैं, पानी बोलते हैं जिसको। देन थर्स्टी, थर्स्टी जैसे ललित ने बोला आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, कैन आई लेंड योर वाटर बॉटल, मुझे तेरी वाटर बॉटल मिल सकती है क्या, ऐसा उसने पूछा ना, तो थर्स्टी का मतलब होता है बहुत प्यासा होना। तो बच्चों मैं ज़्यादातर आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से ध्यान रखें ये शब्द भी जो मैंने दिए हैं वो शब्द आपके स्वाध्याय में भी पीछे भी हैं, और अगर नहीं भी है तो इस वीडियो के द्वारा आप उस शब्दों को लिख सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है कॉन्वर्सेशन जो है वो हम लोग एक दूसरे से बात करते वक्त यूज़ करते हैं, तो एक दूसरे से बातें करिए इंग्लिश में, जैसे मैंने कॉन्वर्सेशन बताया है, आपकी टेक्स्ट बुक भी दिया है, और ऐसे बातें करते करते हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। कॉन्वर्सेशन क्यों सिखाया जा रहा है आपको, कॉन्वर्सेशन इसीलिए सिखाया जा रहा है कि जब हम किसी से बात करें तो हमें इंग्लिश में बात करने आना चाहिए। उसके लिए हम लोग कौन से शब्द कहाँ यूज़ करेंगे उसका आपको ध्यान देना है। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से पढ़